वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके परिवार को खूब परेशान किया है, यहाँ तक कि उनकी माँ को थाने में बैठना पड़ा था। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री पलटवार करते हुए कहते हैं कि राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झूठ बोलने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको उनकी माँ को उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। कहीं कोई संबंध जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे। और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी, और आज आप जिस प्रकार की बात वहाँ राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे, तो उसका ही मैं करना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय, एक तो उनके संबंध का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई संबंध जारी नहीं हुआ, बुलाया गया और ना किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया, अरे भाई आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है, और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका भी फैसला ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। तीसरा विषय जो मेरे मन में है कि राजनांदगांव गए, 4 साल से मैं वहाँ का विधायक हूँ, 1 रुपये का काम राजनांदगांव के अंदर नहीं हुआ। स्टेडियम जर्जर होता जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब होती जा रही है, गांव में 1 पैसे काम नहीं है, और अभी आखिरी साल जाकर घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की जबरदस्ती की सहानुभूति बटोरने का इस प्रकार के भावात्मक बात करना बंद करना चाहिए, और जो तथ्य है यथार्थ है वो सामने आएगा, सच्चाई। खुद भूपेश बघेल जी है, ओम माथुर तो साफ शब्दों में संगठन के इतने अनुभवी हैं कि भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, और आज बड़े बड़े राज्यों में वो संगठन के दृष्टि से वहाँ के काम संभाले हैं, तो उनके बारे में बात बोलना उचित नहीं।